अस्सलामुअलैकुम गाइस। जी हाँ, वीडियो के थंबनेल से आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। आज मैं कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं बताऊंगा। आप लोग अगर सब्सक्राइबर मतलब बढ़ा लिए आपने, सबसे पहले तो आप लोगों को समझ लें कि एडसेंस का अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल नहीं लगेगी। बड़े यूट्यूबर के पीछे भागना छोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एडसेंस का अकाउंट पिन के लिए वेरीफाई कैसे करें हम लोग। तो गाइज़, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपको बताते हैं किस तरह से आप लोगों ने एडसेंस के अकाउंट को पिन के लिए अप्लाई करना है। और मज़े की बात इसमें समझ लें, आप लोगों को चाहे दो यूट्यूब हों चाहे तीन यूट्यूब हों, आप लोग एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं, बार बार अकाउंट नहीं बना सकते। तो चले मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले गाइज ये देखें, गूगल के ऊपर आना है आप लोगों ने, यहाँ पे लिखना है गूगल एडसेंस फॉर यूट्यूब, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आएगा, अब इसको आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब ये देखें गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे ही गेट स्टार्टेड के ऊपर, अब आप लोगों को जीमेल बताएगा वो कि कौन सा आप लोग जीमेल वेरीफाई कर सकते हैं जो आपके साथ अकाउंट के साथ लॉगिन है, ठीक है। अब ये देखें सबसे मेन मकसद क्या आ रहा है, ये देखें योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड एक्शन इन प्लीज़ पेमेंट। अब ये देखें एक्शन के ऊपर आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करेंगे, तो एक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब इधर आप लोगों ने डॉट करना है यूएसए डॉलर के ऊपर, ठीक है। एक तरीका ये वाला है, अब ये देखें $10 हुए हैं, ये वेरीफाई नाउ के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्ट वेरीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट वेरिफिकेशन, अब इधर लीगल नेम लिखेंगे आप लोग, ये देखें अपना जो आप लोगों का NIC है उसका। अब इधर NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर अपलोड करेंगे, ये अपलोड वीडियो आएगा, देखें फाइल। अच्छा, एक तरीका ये वाला भी है, इधर से आप लोग नेक्स्ट करेंगे, ये आपका वेरिफिकेशन कोड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरे मज़े की बात क्या है, आप लोग अपने YT स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें YT स्टूडियो में जाने के बाद आप लोग इधर आएंगे अर्न के ऊपर, ठीक है। जैसे ही अर्न के ऊपर आप लोग आएंगे तो इधर से भी आप लोगों का प्रोग्रेस हो जाएगा। ये देखें कंप्लीट इन एड सेंस एक्शन रिक्वायर्ड, जैसे मेरा ये रिक्वायर्ड हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे आप लोगों ने इसके ऊपर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात, आप लोग इधर आएंगे, ये तीन डॉट वाली लाइन के ऊपर आएंगे। अब ये पेमेंट के अंदर आ जाएंगे आप, पेमेंट के ऊपर आने के बाद वेरिफिकेशन चेक, जैसे ही चेक करेंगे तो अब ये देखें देख रहे हैं, इधर से आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोग फिर वही तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग वही तरीके से इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये एडसेंस का पिन का वेरिफिकेशन कोड आप लोगों के चार हिस्से आएंगे, जो समझ लें 7 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, 10 दिन के अंदर भी, 15 दिन के अंदर भी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना गाइस, इस तरह से आप लोगों का एडसेंस अकाउंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।